हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज है आपका, मुझे डेट भी याद नहीं रहती, मुझे देखना पड़ता है हर बार। तो आज डेट है 17 जनवरी, और फाइनली दिल्ली से एक महीना से ज़्यादा ही रहता, 15 दिन, 2 दिन कम, 15 दिन। तो 1.5 महीना दिल्ली में रहने के बाद फाइनली हम अपने घर आए हैं, वो भी 18 दिन के लिए। फिर हमें दिल्ली जाना है। सो 1.5 महीने मैं अपने घर में नहीं रही, तो हमारा मतलब घर पे लोग आते थे पर कोई रहते नहीं थे, और मम्मी और भाई और बहन हो गई, तो वो लोग जो दुकान वाला घर है वहीं पे रहते थे। तो आप देख सकते हो कि पीछे कितना सामान सब फैल रखा है। सो फाइनली मैं ये सब साफ़ करने वाली हूँ, टेबल वगैरह लगाने वाली हूँ, क्योंकि सोच रहे हैं कि पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। क्योंकि सोच नहीं रही हूँ, मतलब करना है, पढ़ाई स्टार्ट करना है, क्योंकि 30 का सीटेट का एग्ज़ाम है और मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, और मुझे 25-26 को ही दिल्ली निकल जाना पड़ेगा पापा के साथ। सो एग्ज़ाम तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि 30 को एग्ज़ाम है, तो 30 को ही मतलब पापा को मेडिसिन दिया जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि सीटेट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दूँ, और बहुत सी बातें हैं, क्या बताओ एक दिन में। अभी मेरे यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए हैं, 14 का आए थे, 15, 16, आज 17 है, 2 दिन हो चुके हैं। तो 2 दिन इतनी ठंड थी और बहुत सारे काम थे, तो इन्हीं में हमारा दिन चला गया। और अभी 12 बज रहे हैं, आई थिंक 12:30 के आसपास हो रहा है। सो मैं रूम पे आई हूँ और मैं घर की सफाई करने वाली हूँ, और उसके बाद टेबल वेबल सेट करेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे, जैसे वीडियो हो गया और मेन स्टडी हो गया, तो वो सब करना स्टार्ट करेंगे। अब लगता है कि टाइम मतलब टालते रहो, कभी भी आपके पास फ्री टाइम नहीं मिलेगा कि आप सोचो कि हाँ आप शांति से सब कुछ करोगे, ऐसा कभी नहीं होता। सो जो टाइम है ज़िंदगी में, जो सब चल रहा है, उसी के साथ में ही आप करके आगे बढ़ सकते हो या फिर नीचे गिर सकते हो। बहुत ज्ञान वाली बातें हो गई, चलो करते हैं सफाई। सो घर की सफाई हो गई, और तब तक पानी गर्म हो रहा है, और फिर हम नहा के फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो ये पानी गर्म होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आग जलाकर मजा लिया जा रहा है, और हम लोग खेत में आलू पकाते थे, ये घर में आलू पका रहा है। खेत में खुद के मतलब जब आलू लगाते थे तो उस वाले को एकदम नया नया आलू हम पकाते थे, ये बाजार का खरीदा हुआ आलू पका रहा है। अरे जाइए जल्दी, अभी लाइक नहीं कीजिएगा गाइस, मेरा वीडियो में कर दिया। जन्नत देखिए तो जुबे गाइस, ऐसे कैसे
वहीं बैठ। घोड़ बेइज्जती है ना।